दोस्तों मुंबई के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने किया दीपक से भी खतरनाक रिप्लेसमेंट घोषित। तो कौन है वो खिलाड़ी जो कि दीपक चहर से भी खतरनाक माना जा रहा है, यही बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं दीपक चहर के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मुंबई और चेन्नई के बीच आईपीएल का 33वां मुकाबला 21 अप्रैल को खेला जाएगा 7:30 बजे से। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं, एक टीम चेन्नई है तो एक टीम मुंबई। दोनों ने इस साल बहुत खराब प्रदर्शन किया है। चेन्नई अभी तक एक मुकाबला जीती है, वहीं मुंबई को अभी अपना खाता खोलना भी बाकी है। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि मुंबई ने अपने सबसे कोर खिलाड़ी दीपक चहर की रिप्लेसमेंट घोषित की है, जो कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। ऐसे में दोस्तों दीपक चहर जो कि चोटिल हो गए थे आईपीएल के शुरू होने से पहले ही, उनके ना होने से चेन्नई को काफ़ी दिक्कतें होने वाली थी। लेकिन दोस्तों अब चेन्नई ने उनके तौर पर एक ऐसा रिप्लेसमेंट घोषित किया है जो कि चेन्नई को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। दरअसल दोस्तों आईपीएल में दीपक चहर के ऊपर काफ़ी भरोसा जता रही थी चेन्नई की टीम, क्योंकि उनको बहुत बड़ी रकम 14 करोड़ में खरीदा था। लेकिन दोस्तों आईपीएल के पहले ही दिन से वो खेलते हुए नहीं नजर आए, क्योंकि दोस्तों वो चोटिल हो गए थे। अब उनके तौर पर भारतीय टीम का एक स्टार खिलाड़ी राजवर्धन हंगेरकर उनको रिप्लेस कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये खिलाड़ी अंडर 19 स्टार है, इसने अभी तक टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की हुई है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि इनको रिप्लेस करेंगे तो दीपक चहर के खिलाफ जैसा रवैया रहता है टीम का वैसा इनके खिलाफ रहेगा या फिर नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजवर्धन हंगेरकर कैसा प्रदर्शन करते हैं चेन्नई के लिए। आपके हिसाब से दीपक चहर और राजवर्धन हंगेरकर में कौन बेटर प्रदर्शन कर सकता है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।